हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए टाइगर प्रॉन्स यानी कि बड़ा झींगा इसका क्लीनिंग वीडियो लेके आई हूँ। ये एक रिक्वेस्टिंग वीडियो है। आप सभी को मेरा मटन पाया क्लीनिंग वीडियो पसंद आया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और उसी में मुझे दो तीन कमेंट्स ये भी मिले कि उन्हें टाइगर प्रॉन्स का क्लीनिंग वीडियो चाहिए। थोड़ा सा लेट हो गया, बट आई एम स्टिल हियर फॉर यू। तो यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ के टाइगर प्रॉन्स लिए हैं। आप देख सकते हैं कि इसे आगे से कितना बड़ा शार्प कांटा बना है और इसकी बड़ी अच्छी मोचे भी है। बड़े ही ताज़े झींगे मिले हैं यहाँ पे मुझे, और मैं आज आपको दो तरीके से यहाँ पे क्लीनिंग दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो पार्ट में झींगों को कट कर लिया है, और पीछे वाला जो पोर्शन है उसका शेल मैं अपने हाथों से ही निकाल रही हूँ। उसमें जो बारीक बारीक लेग्स बने हैं उसे भी हम हटा देंगे। अगर थोड़े छोटे साइज़ का श्रिम्प रहता है तो उसकी अगर टेल पकड़ के आप पीछे की साइड से खींचोगे तो वो जो शेल वाला पोर्शन है पीछे का, वो पूरा का पूरा आपके हाथ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक चाकू से हल्की सी स्लिट कर ली है, कट लगा लिया है, और यहाँ से हम जो भी गंदगी है इसके पेट में वो हम साफ़ कर लेंगे। और दोनों अंगूठों की हेल्प से मैंने सर के ऊपर जो शेल बना हुआ है उसे भी हटा लिया है। तो इसी के साथ जो कांटा है इसमें वो भी निकल गया है, और साथ ही थोड़ा सा पानी में डाल के इसमें जो हल्की सी गंदगी होती है वो भी हट जाएगी। तो इस तरह से ये सर वाला पोर्शन भी हमारा क्लीन हो गया है अच्छे से। इसी तरह से हम बाकी के झींगे भी क्लीन कर लेंगे। आप जानते ही हो कि मार्केट से जब आप झींगे क्लीन करके लाते हो तो उसमें ये सर वाला पोर्शन तो वो हटा ही देते हैं, पर साथ में ये जो पेट में जो गंदगी होती है वो भी आपको घर पे आने के बाद ही क्लीन करनी पड़ती है। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको बस मार्केट से झींगे लाने हैं और घर पे 15-20 मिनट में आप आराम से 1 किलो के आसपास झींगे क्लीन कर सकते हो, और वो भी बहुत ही हाइजीनिकली और अपने तरीके से। तो अब मैं यहाँ पे एक आपको दूसरे तरीके से भी टाइगर प्रॉन्स क्लीन करने का तरीका दिखा रही हूँ, जिसमें मैंने टाइगर प्रॉन्स का ऊपर का हेड वाला शेल जो है वो निकाल दिया, और उसका जो कांटा है उसे भी कट कर दिया। और सेम वे में नीचे से जो भी टेल में शेल बना हुआ है उसे मैं हाथ से हटा रही हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, हेड से लेके टेल तक के एक हल्की सी कट लगाएंगे, और जितना भी उसमें गंदा वाला पार्ट है वो हटा दूंगी मैं। तो इस तरह से जो है हमें पूरा हेड टू टेल एक कंप्लीट टाइगर प्रॉन्स मिलेगा। ये मोस्टली आपको बड़े रिसोर्ट में और होटल्स में आपको इसी तरह का बड़ा साइज में टाइगर प्रॉन्स मिलेगा खाने के लिए। तो मैं यहाँ पे ये एक क्लीनिंग प्रोसेस भी लेके आई हूँ, आपको आई होप कि ये अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैं बाकी के भी क्लीन करने जा रही हूँ। तो ये मेरे 1 किलो टाइगर प्रॉन्स क्लीन हो गए हैं। मैंने इसे 2-3 बार पानी से वॉश कर लिया है। हार्डली मुझे इसे क्लीन करने में 20 से 25 मिनट लगे हैं, और यहाँ पे मैंने इसे सेग्रीगेट कर लिया है। आप एक साइड में देख सकते हैं कि थोड़ा सा मैंने हेड वाला पोर्शन साइड में रखा है। इसे हम स्टार्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसे हम डीप फ्राई करके खा सकते हैं, या इसे आप करी में भी ऐड कर सकते हो। और ये है पीछे वाला टेल पोर्शन, इसकी हम करी बनाएंगे। देखिए बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया ये। इसका जो गोल्डन, हल्का सा गोल्डन कलर आया है वो बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। और ये है सेकंड, जिसमें मैंने हेड टू टेल पूरा एक साथ ही रखा हुआ है, इसकी भी हम करी बनाएंगे। कि देखिए पूरा एक सिंगल कट में मैंने इसमें पूरा का पूरा जो भी इसके अंदर का पार्ट था गंदा वाला वो सब मैंने हेड टू टेल क्लीन कर लिया है। तो इस तरह से 2 वे में हम इसे क्लीन कर सकते हैं। तो ये था हमारा टाइगर प्रॉन्स क्लीनिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है तो जल्दी से इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए।